गांधीनगर सब डिविजन के एसीपी चंद्र प्रकाश मीना ने कैलाश नगर के पार्क में किया वृक्षारोपण। आप देख सकते हैं कि शास्त्री पार्क वार्ड के विधायक प्रतिनिधि संजय श्रीवास्तव व सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एसीपी चंद्र प्रकाश मीना ने वृक्षारोपण किया, जिसमें से फलदार जैसे पेड़ लगाए, नीम के पौधे लगाए, तुलसी पौधे लगाए, साथ ही अमरूद जैसे इसमें पौधे लगाए, क्योंकि जन ही जीवन है, पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, इससे कि अच्छा वातावरण मिलता है और अच्छी हवा मिलती है। कितने पौधे यहाँ लगाए गए हैं? यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे लगाए गए हैं। हमारे नए एसीपी आए हैं चंद्र प्रकाश मीणा जी, जिनके शायद मैं तारीफ इतनी करूँ वो कम है। हमारे विधायक अनिल वाजपेयी जी जो अपने पूरे एरिया बहुत मतलब सुचारू रूप से चलाते हैं, हमारे रमेश गुप्ता जी निगम पार्षद, तो आज वृक्षारोपण की आज कार्यक्रम रखा है अपने महावीर स्वामी पार्क में, और वृक्ष काफ़ी सारे लगाए हैं। इसके बाद मार्केट में दौरा कर रहे हैं और उसके बाद RW की मीटिंग लेंगे हमारे इसी रोपण किया गया है, उसे लेकर क्या कहेंगे और कितने पेड़ लगाए गए हैं? आज महावीर स्वामी पार्क कैलाश नगर में मेरे वार्ड शास्त्री पार्क में ACP क्षेत्र के और SHO और साथ में हमारी शिव कांवड़ सेवा समिति है, शिवम कांवड़ सेवा समिति है और अपने कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत अभी पिछले कुछ दिन पहले भी हमने किया था, लगातार ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहेगा। आज लगभग 50 पेड़ इस महावीर स्वामी पार्क में लगाए जाएंगे, और क्योंकि जितने पेड़ होगा, जितना वृक्ष होगा, उतना ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, उतना प्रदूषण कम होगा, और वृक्ष वैसे भी धरा की शान है, वृक्ष हमारी धरोहर हैं, तो एक वृक्ष जो है सालों तक चलता है, तो इसलिए हमें वृक्ष लगाने ज़रूर चाहिए। सर, ये जो वृक्ष लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, इनकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर सौंपी गई है? हाँ, जिम्मेवारी ये MCD का पार्क है, महावीर स्वामी पार्क है, इसमें MCD के कर्मचारी करेंगे और जो हमारी क्षेत्र की जनता है वो भी इन पेड़ों का, वृक्षों का, आप देखिए पूरा हरा भरा हमारा पार्क है, वो ख्याल रखती है। कभी अगर इस पार्क का पंप खराब भी हो जाता है तो हमारे क्षेत्र की जनता घूमने आती है, अपने घरों से पानी लेकर आती है और इन पेड़ों में पानी भी डालती है, लेकिन जो वृक्ष जड़ पकड़ जाते हैं जमीन में उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो नए पेड़ लगते हैं उनको हमारे क्षेत्र की जनता भी पूरी उनकी तरह केयर करती है और पार्क को हरा भरा बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करती है। ये तो वन महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है और पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से प्रदूषण में बहुत सी जगह पेड़ काटे गए हैं, तो अगर हम लोग एक एक पेड़ लगा रहे हैं तो निश्चय ही कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण का ध्यान में रखे हुए हम लोगों ने ये शुरुआत की है यहाँ से। और मैं यहाँ के आयोजकों को, संजय श्रीवास्तव जी को, उनकी पूरी टीम को, रमाकांत जी, ये सब जितने भी लोग हैं, हमारी बहनें हैं कोमल चतुर्वेदी, त्रिवेदी जी, निगम पार्षद जी और यहाँ सभी साथी RWS के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के ACP मीना जी, SHO जो हैं मलिक, विनय मलिक जी, हम सब लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया है और ये भागीदारी है। और निश्चय मैं अपील करता हूँ लोगों से कि आज जो पेड़ जो लगा के जा रहा है, ये समझ लीजिए कि उसने एक पेड़ को गोद ले लिया है। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, जब भी लोग यहाँ से निकलें तो कम से कम इस पेड़ की देखभाल जरूर करें, तभी पेड़ लगने का असली स्वप्न तभी पूरा होगा।